बैठक आज आयोजित की गई थी जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसमें जो निर्णय हुए हैं वो इंदौर को नई दिशा देने का काम करेंगे। सबसे पहला विषय जो इंदौर की ऐतिहासिक हमारी मील रही हैं और उनको सींच कर बड़ा करने वाले जो मजदूर थे जिनका बकाया कई वर्षों से लंबित है, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में भी लंबित है, उसको हल करने की और एक पहल करने का हमने प्रयास किया है। नगर निगम के माध्यम से एक कोई ऐसा स्पेशल एजेंसी क्रिएट हो जो अफ्रंट मजदूरों का पैसा कोर्ट की अनुमति से दे और मील की ज़मीन पर शहर के हित में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, ऐसा प्रस्ताव माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद लेने का भी हमने प्रस्ताव किया है ताकि एक स्पेशल MOU उनसे हो और जो पैसा उसमें मिले वो मजदूरों का भुगतान करने में या अन्य जो भुगतान है माननीय कोर्ट की अनुमति से उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि ज़मीन की मालकीना हक नगर निगम के पास है। तो एक नया प्रपोजल हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे जिसका प्रस्ताव हमने आज किया है। हमको विश्वास है कि मजदूरों के हित में, उनके अधिकारों के हित में ये बड़ा फैसला होगा जिसपे आगे भी कई सारी जो और अन्य मिलों के मजदूर संघर्षरत हैं उसको एक दिशा देने का काम होगा। तो हुकुमचंद मील के होने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा, लगभग 350 करोड़ के विकास के कार्यों की स्वीकृति हमने दी है। इसमें शहर की कई बड़ी ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइनें, सड़कें, उदाहरण के लिए सुदामा नगर से अन्नपूर्णा को रोड को जोड़ने वाली जो मास्टर प्लान की मॉडल रोड है जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिस प्रकार से नगर निगम परिषद का जो हॉल है, हम आपको पहले भी ज्ञात होगा कि हमने कहा था कि नगर निगम की बैठकें नगर निगम के परिषद हॉल में हों, जिसका काम रुका था, जिसको तेज़ी से हमने काम शुरू कराया। सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उसके इंटीरियर का टेंडर जो था उसको भी आज अप्रूव किया, जो लगभग 5 महीनों में पूरा होगा। उसी प्रकार से जोन क्रमांक 12 के वार्ड 61 में जो चंद्रभागा से कलालकुई मस्जिद तक सड़क निर्माण की जो मांग थी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।